खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, केएनएन मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ौदा का उपचुनाव जिस तरह से चल रहा है और हर दिन की उठापटक को लेके हम हर रोज आपके सामने आते हैं। हर रोज हम आपको ये बताने का काम करेंगे कि किस पार्टी में किस तरह की हलचल है, किस नेता ने कहाँ जनसंपर्क किया है और किस तरह का माहौल चल रहा है। देखिए, मुख्य रूप से तो 3-4 पार्टियां ही यहाँ पे बड़ौदा में एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही हैं और चुनाव जो है वो अपनी गति से चल रहा है। आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो यही चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से अब विधिवत रूप से जो है वो चुनाव कल से शुरू हो चुका है, सभी के कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका है और आज से सभी गांव में जाना शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से जो बड़े नेता हैं वो बैठकों का दौर ही उनमें जारी है और गाँव के अंदर तो सिर्फ उन्होंने वो कल जिस तरह से हमारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हो रही थी कि इंदुराज भालू ही डोर टू डोर कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेता जो हैं वो रणनीति बनाने में मशगूल है। इसी तरह से बीजेपी को लेके भी इसी तरह की रणनीति चल रही है। बड़े नेताओं, स्टार प्रचारकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जबकि योगेश्वर दत्त जो है वो निकल चुके हैं गांव की तरफ और गांव में जाकर वो बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि 4 साल और उनकी जो है वो सरकार रहने वाली है, सत्ता में उनकी पार्टी रहने वाली है, तो इसलिए आप हलवा खाने का काम करें। लेकिन ये तो समय बताएगा कि किसको हलवा पसंद है और किसको 4 साल तक कांग्रेस के पास जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को लेके और अन्य कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेके लोगों में बीजेपी के प्रति भी नाराजगी है। तो अब देखना होगा कि किस तरह का ये समीकरण बनता है। हमारे साथ मौजूद है हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ प्रमोद शर्मा जी। सर, किस तरह का माहौल जो है अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आज दूसरा दिन एक कह सकते हैं कि विधिवत चुनाव का जो है। देखिए अरुण भाई, सबसे पहले जो है कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट थी, टिकट के लिए कई दावेदार थे और बताया जा रहा था कि टिकट जो है कपूर सिंह नरवाल को मिलेगी। अंत में जैसे मैंने भी जो दिल्ली में अपने सोर्सों से पता किया तो मुझे जो पूरी जानकारी मिली उसके हिसाब से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है हर हाल में कपूर को टिकट दिलाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई भी मारी। तो रात को 9 बजे उन्होंने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया था कपूर सिंह नरवाल को कि नरवाल साहब, मैं आपको टिकट नहीं दिला पाऊंगा। बताया जा रहा कि सारा एपिसोड इसलिए हुआ कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और खुद बंसल साहब, विवेक बंसल जी टिकट दिलाना चाहते थे गायत्री हुड्डा को। इन लोगों का कहना था कि ये गेटिंग सीटिंग के आधार पर ये टिकट श्री कृष्ण हुड्डा को मिली थी, उन्हें अभी 1 साल भी उनका जो है कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, तो ये टिकट जो उसके परिवार को दी जाए और बाहरी लोकल का जो मुद्दा था उसको हल करने के लिए गायत्री हुड्डा का नाम आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि वो बैसवान गाँव की जो है वो बैसवान गाँव की पैदाश रही। तो उसके बाद जो है अंत में जो है दोनों तरफ जो है जब खिंचाव बढ़ा तो बात प्रियंका गांधी तक पहुंची और प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के केसी वेणुगोपाल जो केरल से आते हैं उन्हें जो है एक मैसेज दिया कि आप जो है दोनों पार्टियों की सुने, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये एक क्षेत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह क्षेत्र है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव वाला क्षेत्र है, यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली जानी चाहिए और टिकट जो है उन्हीं के आदमी को दी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ निर्देश दिया कि ना ही जो है टिकट कपूर सिंह नरवाल को मिलनी चाहिए और ना ही टिकट मिलनी चाहिए गायत्री हुड्डा को, टिकट मिलनी चाहिए किसी तीसरे कैंडिडेट को लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप का होना चाहिए। तब जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाम बढ़ा था कि इंदुराज नरवाल का। मैंने बताया था कि 3 पीढ़ी से इनका जो है इंदुराज नरवाल परिवार का 3 पीढ़ी से भूपेंद्र हुड्डा परिवार से अटैचमेंट रही, तो बाजी मार गए थे इंदुराज नरवाल, 0 से हीरो बन गए थे, किसी ने सोचा नहीं था। मैं खुद बताऊंगा अरुण भाई, 3 महीने पहले मेरे पास मेरे गाँव में आया था मेरे घर पर मेरे एक साथी के साथ और उसने मुझे कहा था कि पंडित जी मेरी टिकट हो रही, मेरी मदद कर दो। तो मैंने मजाक में कहा था भाई बालू, ये कांग्रेस की टिकट है, बस की टिकट होने इतनी आसानी से नहीं मिला करती है, तेरे टिकट के बहुत कम चांस हैं। तो हम सब जो राजनीतिक विश्लेषकों को समीक्ष ने झूठा कर दिया और टिकट जो है ले ली। उसके बाद जो है फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से देखा कि कपूर सिंह नरवाल ने निर्दलीय फार्म भर दिया और बलराज कुंडू ने उसको जो है समर्थन कर दिया, तो उन्हें जो है अपनी अब यह सीट जो खटाई पड़ती हुई दिखाई दी। फिर वो कपूर सिंह नरवाल को मना लाए और कमाल की बात देखिए कपूर सिंह नरवाल के साथ फ्री में जो है बलराज कुंडू मिल गए। बलराज कुंडू ने भैया उन्हें समर्थन का वादा कर दिया और उन्होंने भरी सभा में कहा कि मैं बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का 12 दिन तक लगातार समर्थन करूंगा और गांव-गांव जाकर प्रचार करूंगा। इसके साथ साथ जो है जो डॉक्टर जोगेंद्र मोर थे जो बड़ौदा के निवासी थे और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जाट कॉलेज रोहतक में,
उन्होंने भी गांव की पंचायत की और गांव में कहा था कि अगर गांव में टिकट भाजपा कांग्रेस की नहीं आई तो आप मुझे समर्थन करेंगे, तो वो भी गांव में एक डेंट पहुंचा सकते थे कांग्रेस को, वो भी जो है चुनाव प्रचार में उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। तो कुल मिलाकर जो है एंड टाइम पर जो चौका मारकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है हीरो बन गए थे। और इस हिसाब से मैंने टोटल समीक्षा की और टोटल समीकरण देखा तो हमें अभी आज लग रहा है कि आज के दिन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी। और आज के दिन जो है कांग्रेस को लगभग 20,000 मतों का जो है आज के दिन जो है कांग्रेस 20,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी से आगे दिखाई दे रही है। लेकिन ये राजनीति है, इसमें हर दिन जो समीकरण बदलते हैं। राजनीति सूत का सूत का नाम है, जिसका सूत आ जाए उसके लिए अच्छी है, जिसका सूत आ जाए वो दूसरे का सूत नहीं आने देना चाहता। मैं एक बात फिर कहता हूँ कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा सकती, कांग्रेस को हराएगी कांग्रेस ही। जिन कांग्रेस के नेताओं की टिकट कटी, अगर उन्हें यह दर्द हो गया कि अगली बार अगर इसको ये इलेक्शन जीत जाता और गेटिंग सिटी में इसकी टिकट पक्की है, मात्र 42 साल की उम्र है, तो 20 सालों की राजनीति खत्म है, तो अगर उन्होंने इस दर्द में जो है कांग्रेस की रड़ काट दी तो फिर क्या होगा। दूसरी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सामने मुकाबले में बिल्कुल जो आरती दिखाई दे रही कांग्रेस से, लेकिन अगर उसके सामने जननायक जनता पार्टी जुट जाती है और एक और मिलकर जो 11 हो जाते हैं तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन जननायक जनता पार्टी के 700 कार्यकर्ताओं की सेना मैदान में उतर जाती है और भूपेंद्र सिंह मलिक खुद जो है दिल से चुनाव में लग जाते हैं, उन्हें जब हाईकमान का आदेश मिल जाएगा और उनकी जो मांग है कि भी आगे मेरे काम होने चाहिए, मेरे साथियों का जो है सम्मान होना चाहिए, जब उन्हें उचित सम्मान मिल जाएगा और उनकी नाराजगी अच्छी तरह से दूर हो जाएगी, वो मैदान में कूद जाएंगे, तो मुकाबला फिर कड़ा होता जाएगा। 20,000 से जो है धीरे धीरे जो है घटना भी शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात जो कमाल की बताऊंगा वो ये है, इसके साथ मैं आपको कमाल की बात बताऊंगा कि देखिए कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, मैं इस बात को मानता हूँ। पिछले 3 लोकसभा से हमने समीक्षा की तो 3 लोकसभा में आज कांग्रेस जीतती है, 3 विधानसभा में आज कांग्रेस जीतती है। लेकिन कमाल की बात आप ये देखिए कि 3 विधानसभा में कांग्रेस का वोट बैंक कम होता है, 60% हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 35 पे आया। 51 हरियाणा में बता दो भाई चोरी एक बात, इतनी बड़ी 20,000 की बीजेपी बता रहा है तो नहीं होता। जब भूपेंद्र हुड्डा खुद अड़े चुनाव लड़ रहा था तो 16-17 हज़ार से जीतता था, जबकि यू पंडित जी तो मारा अपने एरिया का बालक है, बैसवाल गांव का है, मारा गांव पूरा कट्ठा वोट देगा। रमेश कोशिका तो गांव ना था, वो तो गन्नौर का था, एक भी वोट ना थी, जब भी वो पंडित 50,000 वोट लेगा था, ये तो मारा एरिया का बालक है, मारा घर का बालक है, जब हमने जोर लगा दिया फिर 16,000 भी तोड़े क्रोकोर कर देंगे। यानी उनकी बात को अगर देखा जाए तो 17,000 वोटों में 8,500 वोटों का ही जो है जोटा मारने की जरूरत है, यानी चुनाव इतना आसान नहीं है। वही कपूर सिंह नरवाल के बारे में बड़े नेता ने बड़ी रोचक बात कही कि कपूर सिंह नरवाल की आप जो है बहुत ज़्यादा वोटें बताते हो, लेकिन आप एक कमाल की बात तो बताइए, कपूर सिंह नरवाल 2 साल पहले गुआना में जब रैली हुई थी, जब इंडियन नेशनल लोकदल में थे, इन्हीं दोनों की बात है, अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात है, उन्होंने कहा कि 2 साल उन्होंने कितनी पार्टी बदली। मैंने कहा जी आप बताए, उन्होंने कहा कांग्रेस इस नेता ने बोला 2 साल में 5 पार्टी बदली है। मैंने कहा कैसे, तो उनका कहना था कि इनेलो में थे, फिर जननायक जनता पार्टी में आ गई, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गई, फिर निर्दलीय प्रचार भरते हुए एक पार्टी है और बोला कांग्रेस में आ गई। बोला जो आदमी 2 साल में 5 पार्टी बदल सकता तो उसके समर्थक कहाँ जाएंगे, कितनी वोटें डलवा पाएंगे। तो इसका भी उनकी जो है लोगों में अभी इस बात की भी देखो नाराजगी है कि बार बार पार्टी बदली है, वो कितने वोट अपने साथ ले पाते हैं भी देखना होगा। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे सर्वे में सबसे ज़्यादा पर्सनल वोटें या कपूर सिंह नरवाल की, उसके बाद भूपेंद्र सिंह मलिक की। इसके साथ साथ जो है भूपेंद्र सिंह मलिक का खुद भी कहना है कि देखिए हम एक गांव के दोनों भाइयों ने पिछली बार आमने सामने इलेक्शन लड़ा था, दोनों ने मिलाकर 70,000 मतें ली थी, क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार खुद जो है 42,000 मतों पर रह गया था। और जब उसके चुनाव में पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा जोर बड़ौदा सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाया था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ डोर टू डोर भी घूम गए थे, हर गांव में घूमे थे और लास्ट को रात को 12-12 बजे जो है लोगों के लिए वोट मांगते, लोगों में वोट मांगते दिखाई दिए थे। इसके साथ साथ चुनाव से पहले दिन भी हेलीकॉप्टर से वोट गढ़वाड़ में आए थे, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना जोर लगा तो 42,000 मत प्राप्त की थी। तो एक तरफ से जिस तरह से 2 दिन से जो है मोरल डाउन अप हुआ था कांग्रेस का कि सारे नरवाल इकट्ठे हुए हैं, सारे किसान इकट्ठे हुए हैं, तो अब जो है काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है अब भूपेंद्र मलिक और योगेश्वर दत्त की जोड़ी को आगे बढ़ाया है। और इसके साथ साथ डॉक्टर कृष्ण चंद्र बांगड़ को भी जो है कमान दे दी गई है, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएगी और 4 गाँव में वो भूपेंद्र सिंह 4 गाँव में वो जो योगेश्वर दत्त के साथ घूमे हैं और कार्यकर्ताओं में जो है जज्बा भी उत्साह हो गया। हालांकि मैं तो खुद ही मानता हूँ कि आज 20,000 की हार है, मैं आज मानता हूँ, लेकिन राजनीति में अति उत्साह भी नुकसानदायक हो सकता है। जो लोग अति उत्साह करते हैं उन्हें याद होगा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा का फॉर्म भरा था तो लोग कहते थे कि 3 लाख वोटों से जीतेगा, 40% जाट मतदाता थे इस लोकसभा क्षेत्र में, 60% गैर जाट मतदाता थे, तो लोग कहते कि 40% जाट तो एक मुफ्त पड़ेंगे, गैर जाटों के 20% वोट ले, कम से कम 20% वोट गैर जाटों के भी आएंगे।
तो 60% वोटर अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, लेकिन चुनाव में रिजल्ट क्या रहा था, 3 लाख से जीतने वाला व्यक्ति धीरे धीरे करके 2.25 लाख से चुनाव हार गया था, लगभग 2.25 लाख से। तो राजनीति में जो है तीसरा भी नुकसानदायक हो सकता है। मैं मानता हूँ आज कांग्रेस मजबूत है, लेकिन ये उपचुनाव और सरकार जो है उपचुनाव में धीरे धीरे बहुत काम करती है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि किस तरह से यमुनानगर में चौटाला परिवार की कितनी थोड़ी वोटें थी, अंतिम वो चुनाव जीत गए थे। आपने देखा था कि जींद में कभी भी आतंक जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती थी, लेकिन वो फिर भी चुनाव जीत गई थी। मैं मानता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पर्सनल वोटें कम है, खुद जो व्यापारी वर्ग नहीं, कोई शहर नहीं है, लेकिन जिन्ना जनता पार्टी का समर्थन मिलने के बाद और उसके नेता खुल कर अगर साथ आते हैं तो एक और एक मिलकर 11 हो सकते हैं। ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने और कांटे की होगी। जो आज लोग करेंगे 40,000 की जीते, 30,000 की जीते, 20,000 की जीते, अंतिम में वो जीत बिल्कुल कम हो सकती है और कांटे का मुकाबला हो सकता है और कुछ भी जो है रिजल्ट हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और कहूँगा कि ये चुनाव जो अब सरकारी बनाम सरदारी होता जा रहा है। एक तरफ जो सरकार का कहना कि हमने यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, और इसके लिए मैंने जब जेपी दलाल से पूछा कि आपने घोषणा की दलाल साहब या बनाएंगे भी गए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि पंडित जी आप देखिए हमने जो है 16 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग बुला ली थी, अगर हमें जो है चुनाव आयोग की ओर से ये नोटिस नहीं मिलता कि ये मीटिंग जब चुनाव होते तो आप नहीं कर सकते, हम 16 तारीख को घोषणा कर देते। तो उनका कहना कि हम हर हाल में जो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 2 कॉलेज जो है जो लोग कहते थे कॉलेज चालू नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा था कि आप चेक कीजिए बड़ौदा में और बैसवाल में कॉलेज चालू हो चुका, दोनों कॉलेजों में लड़कियों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया। अब कितना एडमिशन लिया तो चेक करके बता दें, लेकिन एडमिशन लेना शुरू हो चुका। उन्होंने कहा था कि यहाँ है फटकी जो है मुंडलाना में मील के लिए काम शुरू हो चुका है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है जीरी होती है और उसके लिए खुद यहाँ फट का मील लगेगा और एफड यहाँ परचेज करेगा तो जीरी का अच्छा भाव मिल पाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी, उन्होंने कहा कि हमने 100 करोड़ की जो है घोषणाएं सड़कों के लिए की हैं, 100 करोड़ की घोषणा हमने पानी के लिए की है। वो तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको सरदारी के नाम पर यहाँ अपना एरिया बताता है तो आज जो घोषणा हमें करनी पड़ रही है तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद पूरी क्यों नहीं करवा पाए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महम में किलोई में 2-2, 3-3 गवर्नमेंट कॉलेज खोले, आपके बड़ौदा के चम्मन गांव में अगर कोई गवर्नमेंट खोला जाए मुझे बताइए, चम्मन गांव की कोई बड़ी परियोजना बताइए, चम्मन गांव में कोई यूनिवर्सिटी खोली वो बताइए, चम्मन गांव को मील लगाया है कुछ कोई और काम वो मुझे बताइए। तो मैंने भी खुद इस तरह का आइडिया, मैं जरूर मानता हूँ कि यहाँ जो है चौधरी ओमपुर अस्पताल ने जरूर एक शुगर मिल लगवाया था और बली ब्राह्मणान जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसकी जो परमिशन दी थी, तो दोनों चीज़ों के लिए जो ओमपुर अस्पताल जी को श्रेय दिया गया था। उसके बाद खट्टर साहब करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऐसा तो कोई विशेष काम यहाँ नहीं करवाया था, लेकिन यहाँ भावनात्मक लोग से लोग जो आज भी हुड्डा साहब से जुड़े हुए हैं और हर बार जो यहाँ से उनका जो है वोट बैंक, हर बार उनका 6 वोट बैंक आता है। अब तो ये चुनाव जो है सरकारी और सरदारी के बीच में, एक तरफ सरकारी मशीनरी और सरकार है जो लोगों को कह रहे कि आप 4 साल जो है सरकार का कार्य का 4 साल तक आप सरकार में भागीदार बनिए और काम लीजिए, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना कि ये सरकारी नहीं सरदारी चुनाव है, एरिए की सरदारी का नाम है, अगर आप इस बार मौका चूक गए और हम यहाँ डाउन हो गए तो लोगों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गृह क्षेत्र, वो कहते हैं कि किलोई से भी ज़्यादा मैं बड़ौदा को अपना घर मानता हूँ, कि अगर हम यहाँ से भी चुनाव हार जाते हैं तो हमारी पूरे हरियाणा में क्या इज्जत रहेगी। इसलिए उन्होंने अपने बिल्कुल जो है आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़कर ये आम किसान का और एक सेलिब्रिटी का चुनाव बढ़ाने की कोशिश की है, और उनका कहना है कि इस बार जो है हम जब बड़े भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि बड़ौदा के लोगों को देखना है कि उन्हें 4 साल काम लेने हैं सरकार में, सरकारी इलेक्शन करना है या सरदारी के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन करना है। इसके साथ साथ जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़े हुए हैं और ये चुनाव जो है प्रभारी, हालांकि ऑफिशियल प्रभारी नहीं बनाएंगे, लेकिन ये चुनाव उनकी देखरेख में लड़ा जाएगा और उन्होंने जो है कल सामरी से चुनाव प्रचार करना शुरू कर देंगे। आज जो है उनकी जो मीटिंग हो जाएगी उसके बाद वो कल गाँव डोर टू डोर जाएंगे। तो और ये तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी जो मैदान में उतरने वाले हैं, 3-4 दिन में उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी आ जाएंगे, कल रोहतक में मुख्यमंत्री जी आएंगे, वो भी जो चुनाव को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारी मशीनरी के सहयोग से और आने वाले 4 साल में सरकार के फायदे बताकर जो चुनाव को लड़ना चाहती है, वहीं जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इसको सरदारी के नाम पर चुनाव को लड़ना चाहते हैं। अब देखना कि कहाँ तक जो सरकारी में सफल हो पाती है और कहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सरदारी को सार्थक सिद्ध कर पाते हैं। बिल्कुल, ये तो समय बताएगा कि सरकार जीतेगी या सरदारी जीतेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरह से आपने भी कंपैरिजन किया कि बड़ौदा में क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक बात ये कटु सत्य है
कि देखिए बड़ौदा जो है वो एक सी शेप में है, गोहाना एक उसका सेंटर पॉइंट पड़ता है और बीपीएस मेडिकल कॉलेज और बीपीएस वुमन यूनिवर्सिटी वो मील का पत्थर इस पूरे क्षेत्र के लिए हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि कोई कॉलेज या ये नहीं बना, क्योंकि ज़्यादातर जो कनेक्टिविटी है वो खानपुर वो ग्रामीण क्षेत्र में ही उनका बनाने का मकसद यही था कि पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं के बयानबाजी सामने आती है तो यही मानना होता है कि अभी घोषणाएं हुई हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। अगर कहीं ना कहीं यहां से कोई भी चुनाव की ऊक चूक होती है तो ये घोषणाएं महज घोषणाएं रह जाएंगी, क्योंकि धरातल पे काम अभी हुआ नहीं है। अगर आप कॉलेजेस की बात करें या उन सभी चीज़ों की बात करें तो ठीक है दाखिले शुरू हुए हैं, लेकिन स्टाफ और अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन कॉलेजों को मैनेज करने के लिए। बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कॉलेज का। अगर आप एक स्कूल को ही एक कॉलेज का नाम दे देंगे तो वो कॉलेज का प्रारूप नहीं होता, वो केवल कागज़ों में कॉलेज होता है। आपको उस माहौल में जाना होता है, क्योंकि आप देखिए रोहतक हमसे बहुत नज़दीक, पानीपत सोनीपत हमसे बहुत नजदीक है। बच्चे गोहाना और आसपास के कॉलेजों में भी बहुत कम दाखिले लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस अच्छी शिक्षा की अगर बात करें तो वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाना पसंद करते हैं। और दूसरी बात, यहां पे सरदारी और उसकी जो बात है वो तो समय बताएगा कि किस तरह, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है कहीं ना कहीं वहाँ पे मोदी फैक्टर काम करता है, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव होगा, पूरे प्रदेश का एक ऐसा उपचुनाव होगा जहां पे काम वहां के लोगों के बीच जाके नेताओं को बताने पड़ेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सरकार के वादों पर कितना विश्वास बड़ौदा के लोग करते हैं, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करवाए गए 10 साल के दौरान जो काम है, या फिर आने वाले जो वायदे हैं, जिस तरह से किसानों को लेकर उन्होंने वायदे किए हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो इस हिसाब से देखना होगा कि किस लोग भरोसा किन पर करते हैं। और ये भरोसा ही बड़ौदा के लोगों की जीत होगी, और बड़ौदा को ये जो पार्टी यहां से चुनाव जीतेगी आगे की प्रदेश में उसी तरह की रणनीति यहां से तैयार होने वाली है। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए के9 मीडिया।